अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे तो आज के स्टूडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर नाइन की जो है वो डिस्कशन करेंगे तो एम सिक्वी नंबर वन में कहता है कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ टू मेक तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये होता है कि वो राइबोसोम्स को बनाए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट सेकंड में कहता है कि एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन तो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट थर्ड में कहता है कि बिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन द हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन द एनिमल सेल्स तो हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना ये हायर प्लांट्स में एबसेंट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फोर्थ में कहता है कि डाउन सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ द डैश पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट फेल्स टू सेग्रीग्रेट तो जब क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन की जो है वो सेग्रीग्रेशन जो है वो नहीं होती तो एज ए रिजल्ट हमारे पास डाउन सिंड्रोम होता है ऑप्शन ए इज़ को फिफ्थ में कहता है कि विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटो शुगर तो हमारे पास जो डीहाइड्रोक् एसीटोन है ना ये कीटो शुगर की एग्जांपल है ऑप्शन बी इज को सिक्स में कहता है कि विथ वन ऑफ फॉलोइंग इज प्योरीन तो हमारे पास जो प्योरस है ना इन्हें हम लोग गुआनिन और जो एडनिन है ना इनको हम लोग प्योरस कहते हैं ठीक है इनमें जो है वो दो कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और दूसरे हमारे पास होते हैं पायरेमिटीस अब पायरेमिटीन्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं साइटोसिन और थाइमीन ठीक है ये पायरेमिटीन्स में आते हैं और पायरेमेडीन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो कार्बन नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होता है ठीक है अब यहाँ पे उसने प्योरिन का पूछा है तो प्यूरिन में हमारे पास कौन कौन से गुआनिन एंड एडेनिन ऑप्शन में आप लोग देख लो गुआनिन प्रेजेंट है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट सेवंथ में कहता है कि को फैक्टर इज कोवलेंटली और टाइटली एंड परमानेंटली बाउंडेड टू द एंजाइम देन इट विल बी कॉल्ड एज तो जब भी हमारे पास कोफैक्टर जो है वो कोवलेंटली टाइटली और परमानेंटली जो है वो बाउंड करता है किसी एंजाइम के साथ तो उसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट एट में कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई एंड सर्डन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम लोग जो है वो एक्टिनोमाइसिस कहते हैं या एक्टिनोमायोसाइट्स कहते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट रैक्ट नाइन्थ में कहता है कि विथ स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया इज़ ट्रू तो हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना उनकी सलवाल के अंदर जो है वो मोर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट टेंथ में कहते हैं कि एल डोपा और द लेवोडोपा इज यूज टू गेट सम रिलीफ फ्राम तो हम लोग जो एल डोपा या लेवोडोपा जो है ये परकिनसंस डिजीज वाले जो लोग होते हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ठीक है थीके? और ये जो लेवर डोपा या एल डोपा है ना ये बेसिकली ब्रेन में जाके जो है वो डोपामीन बना रहे होते हैं ठीक है अब डोपामीन क्या है जो आपको खुशी दे रहा होता है ठीक है जब हम लोग खुश होते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो है वो ये जो डोपामीन है ये सिक्रीट हो रहा होता है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना है जब भी हम लोग किसी पेशेंट को जो है वो लेवा डोपा जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ हम लोग एक और ड्रग है वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं या आप लोगों के सिलेबस में नहीं मैं वैसे बता रहा हूं ठीक है उसे हम लोग डोपा कहते हैं ये जो कार्बी डोपा है ना ये लेवर डोपा का जो है वो सेफली जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है ठीक है फिर वहां पे जाकर ये लेवाडोपा टूटते हैं और फिर डोपामीन्स बनते हैं ठीक है अगर हम लोग इसके साथ लेवाडोपा के साथ कार्बीडोपा ना दें तो हमारे पास ये जो लेवाडोपा है ना ये जिसम में कहीं भी जाके जो है वो ब्रेक हो सकते हैं तो इसकी सेफ़्टी के लिए हम लोग फिर साथ में कार्बीडोपा भी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स को जो कि पर्कन्संस डिज़ीज़ के पेशेंट हों ठीक है नेक्स्ट अलेवन्थ में कहता है कि ट्रोपोनिन पोलिडियम काज़ेस तो ट्रोपोनिन पोलिडियम जो है बेसिकली ये साइफलीस काज करते हैं ऑप्शन सी एस करेक्ट ट्वेल्थ में कहता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस तो इंटस्टिशियल सेल्स बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये सैमनी फेरस्टिब्यूल्स के बिटवीन जो है वो लोकेटेड होते हैं ऑप्शन बी एस करेक्ट थर्टीन में कहता है कि टाइप ऑफ द सेल्स इन द ह्यूमन टेस्टीज विच प्रोड्यूस टेस्टास्टिरोन तो हमारे पास टेस्टास्ट्रोन कौन प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टिशियल सेल्स जो है वो टेस्टास्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट फोर्टीन में कहता है कि हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉपस ल्यूटियम तो दार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रोन कर रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टीन में कहता है कि लेंथ ऑफ माओफ्रिल्स फ्रॉम वन जेड बैंड टू द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज तो उसे हम लोग सार्को कहते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सिक्सटीन में कहते हैं कैल्शियम आइन्स रिलीज ड मस्कुलर या मसल फाइबर कॉन्ट्रेक्शन अटैच विद तो जब भी हमारे पास मसल के फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जो कैल्शियम होता है वो सीधे जाकेट ट्रोपोनिन के साथ अटैच कर जाता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सेवनटीन में कहता है कि जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट्स इन सेवरल डायरेक्शंस तो उन्हें हम लोग जो है वो बॉल एंड सॉकट्स जॉइस कहते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट एटीन में कहता है कि ऑल इंसाइम्स आर तो हमारे पास जितने भी इंसाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट नाइनटीन में कहता है कि काइटन केमिकल फाउंड इन द एगोस्कैल्टन ऑफ द इज आल्सो फाउंड इन द वॉल्स ऑफ तो जो आर्थरो का एग्जोस्ल्टन होता है ना उसमें भी है जो है वो काइटन जो है वो प्रेजेंट होता है और हमारे पास जो फंजाई होता है ना उसकी सेल वाल में भी जो है वो काइटिन ही होता है सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ट्वेंटी में कहता है कि फूड इज डाइवर्टेड इन दिसो फिगर्स बाय तो हमारे पास जो एपिगलोटस होता है ना वो फूड को डाइवर्ट करता है टू वर्ड्स ईसो फिगर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी वन में कहता है कि फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स टू टेक प्लेस द रिक्वायर्ड कंडीशन इज तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट के लिए ये है कि जो लाइट वेव्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना उनका सोर्स जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी टू में कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द बैंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट वेव इंटू ज्योमेट्रिकेडो ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड तो जब भी हम लोग लाइट को जो है वो फॉल करवाते हैं ना किसी ऑब्स्टिकल के ऊपर तो वो स्प्रेड हो जाती है ठीक है और जो उसका ज्योमेट्रिक शेडो बनता है ना ऑब्स्टिकल का उसे हम लोग डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ट्वेंटी थ्री में कहते हैं कैपेबिलिटी ऑफ द गैमा इज़ तो गैमा रेज की हमारे पास जो आइनाइजिंग कैपेबिलिटी है ना वो अल्फ़ा और बीटा से कम होती है ठीक है आयोनाइिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फ़ा की होती है उसके बाद बीटा की होती है और सबसे लीस्ट हमारे पास जो है वो गैमा रेज की होती है ठीक है ऑप्शन सी एज करेक्ट और पेनिट्रेशन पावर हमारे पास सबसे ज़्यादा गैमा की होती है उसके बाद बीटा की होती है और सबसे लीस्ट जो है वो अल्फ़ा रेज की होती है और एनर्जी का भी यही ट्रेंड है कि हमारे पास गैमा रेस के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उसके बाद बीटा के पास उसके सबसे लीस्ट एनर्जी जो है वो अल्फ़ा के पास होती है इसीलिए लिए तो कहते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा रेस जो है ना ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती ठीक है बीटा एंड गैमा कर सकती हैं लेकिन अल्फ़ा वाली नहीं कर सकती नेक्स्ट ट्वेंटी में कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडिएक्टिव एलिमेंट इज तो रेडिएक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ होती है उसका डिके कांस्टेंट के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है ठीक है इसका रिलेशन इस तरह से है कि टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाय डी कांस्टेंट कॉन्स्ट जिसे हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये इसका इन्वर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ ठीक है ऑप्शन डी एस को रेक्ट ट्वेंटी फाइव में कहता है कि विच व फॉलोइंग पार्टिकल इज इमिटेड रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन तो ये उसने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है कहता है कौन सी कौन से पार्टिकल्स हैं वो इमिट होंगे तो ये इसने इसका मैस नंबर दिया हुआ है ठीक है रेडियम का मैस नंबर कितना है जी टू टू थर्टी सिक्स जो कि कन्वर्ट हो रहा है जी आर एन टू 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 में ठीक है अच्छा इसको आप लोग करेक्ट कर लें यहाँ पे एक मिस्टेक है ये टू टू टू, टू नहीं है ये टू थ्री टू है ठीक है टू थर्टी टू है ये तो हमारे पास जब भी अल्फ़ा रेस एमिट होती हैं या जब भी हमारे पास अल्फ़ा डिके होता है तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जेड होता है ना उसमें माइनस आता है और मैथ नंबर में जो है माइनस होता है ठीक है अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 236 था माइनस फोर कर लगे टू थर्टी हो गया दिस मीन्स दैट ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एमिट हो रहे हैं ऑप्शन बी इज कोरेक्ट नेक्स्ट 26 में कहता है कि लेजर इज एन एक्रोन फॉर तो लेजर का क्या मतलब होता है लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बेस्टेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑप्शन ए इज कोरेक्ट ट्वेंटी सेवन में एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्टमेंट ऑफ डैश ऑन द टारगेट मेटल तो जब भी हम लोग बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है टारगेट मेटल के ऊपर तुम्हारे पास एज अ रिजल्ट एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी एट में कहता है कि लेजर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक विच मीन्स अब मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ वन वेव लेंथ ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन में कहता है कि वट इज़ द चार्ज ऑन दर्फा एमिटेड ड्यूरिंग द फिनना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी जब भी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का फिनोमना होता है और अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट होते हैं तो चार्ज कितना होता है प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट थर्टी में कहते हैं कि एम इज द मैस सी इज़ द विलासटी ऑफ लाइट एंड एक्स इज इक्वल टू तो एम एम सी स्केयर दैन डायमेंशन ऑफ एक्स विल बी तो ये सिंपल आप लोगों के पास ई इज इक्वल टू तो एम सी स्केयर की बात कर रहे हैं तो सिंपल मतलब आपसे ये एनर्जी की डायमेंशन पूछ रहा है तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है एम एल स्केयर T minus two, ऑप्शन B इज correct. नेक्स्ट thirty one में कहता कि सोलिनाइड इज कट इनटू टू टू हाफ्स द मैग्नेटिक इंडक्शन डू टू द सेम करंट इन ईच हाफ विल बी तो अगर हम लोग किसी सोलिनाइड को जो है वो दो इक्वल हाफ्स में जो है वो कट कर दें तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो सेम ही होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट थर्टी टू में कहता है कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ करंट डायरेक्टेड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप वैन होल्ड वर्टिकली कहते हैं कि वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वैन ऑब्जर्व फ्राम बिलो देखो हम लोग नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं बिलो और उनकी डायरेक्शन भी जो है वो बॉटम टू टॉप है सो दिस मीन्स डैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी क्लाक वाइज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट अगर ये टॉप टू बॉटम होती ना और हम लोग उसे बिलो से ऑब्जर्व करते तो फिर यह एंटी क्लाक वाइज होती ठीक है नेक्स्ट थर्टी थ्री में कहता है कि एमिशन ऑफ द अल्फा डीके फ्राम द रिएक्टिव सब्सटेंस काजिज जब भी हमारे पास अल्फा डिके होता है तो हमारे पास जो मैथ नंबर होता है ना उसमें जो है वो माइनस फोर होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है ठीक है उसमें माइनस टू होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट ये ऊपर अभी हम लोगों ने ऊपर नमेरिकल भी एक सॉल्व किया थर्टी फोर्थ में कहता है कि वट इज़ द यूनिट ऑफ के पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अब देखो हम लोगों ने के पी का यूनिट फाइंड करना है के सी का नहीं करना मतलब हम लोगों ने इन सबकी जगह ए टी एम सपोर्ट करने हैं तो जस्ट सिंपल आप लोग इसको लिख सकते हो के पी इज इक्वल टू पहले आप लोगों ने इसको उसमें कन्वर्ट करना है देखो यहाँ पे टू है इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एस ओ थ्री का स्केयर डिवाइडेड बाय ये टू एस ओ टू एस ओ टू है इसे हम लोग लिख सकते हैं एस ओ टू का स्क्यर इन टू ये क्या है ओ टू इसको हम लोग एस टेज लिखेंगे अब इन सब की जगह आप लोग ए टी एम कर लो ए का स्केयर डिवाइडेड बाय करी ए का स्केयर इनटू एटीएम ठीक है इसकी जगह अब ये एटीएम का स्केयर एटीएम के एम स्केयर से कैंसिल हो गया पीछे हमारे पास क्या बच गया वन बाय एटीएम टी विच इज़ योर ऑप्शन बी ठीक हो गया नेक्स्ट थर्टी फाइव में कहते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया तो अमोनिया को हम लोग घापर प्रोसेस में जो है वो प्रिपेयर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है डिग्री ड ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट थर्टी सिक्स में कहता है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ एस ओ थ्री फ्राम एस टू एंड ऑक्सीजन द यील्ड ऑफ एस थ्री इज इंक्रीज बाय तो जैसे जैसे हम लोग जो है एस टू को जो है वो एड करते जाएंगे ठीक है तो एस थ्री की कंसनट्रेशन भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट देखो ओ टू को रिमूव करने से तुम्हारे पास एस थ्री ज्यादा नहीं होगा वो तो कम होता जाएगा कैटलिस्ट जो है वो SO3 पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है सो कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना एस ओ टू प्लस ओ टू ये जो एस ओ थ्री देता है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड वो नहीं है तो टेम्परेचर को डिक्रीज अगर अब यहाँ पर डिक्रीजिंग होता है फिर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते थे लेकिन इसने इंक्रीज़ ले है जबकि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है ठीक है सो दैट इज ऑप्शन ए भी हमारे पास गलत है सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है नेक्स्ट थर्टी सेवन में कहते हैं अब यहाँ पे देखो उसने लिखा हुआ ऑल एक्सेप्ट तो हम लोग लिशियटरी प्रिंसिपल को फिजिकल सिस्टम के ऊपर और केमिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट अब अक्सर स्टूडेंट्स ने ये एम सी क्यू जो है वो इस तरह से देखा होगा कि लिशरी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू तो फिर उस लिहाज से देखा जाए तुम्हारे पास ये ऑप्शन डी करेक्ट होता है लेकिन यहां पे उसने एक्सेप्ट का भी ऑप्शन लफ्स दिया हुआ है ठीक है तो आप लोगों ने स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग से स्टेटमेंट को पढ़ो आप लोग जान में ले आओ कि यार ये MC को तो मैंने देखा था तो जस्ट सिंपल डी को क्लिक कर लो ये गलत है आप लोग स्टेटमेंट को पूरा पढ़ोगे बेशक वो स्टेटमेंट आपको आती हो ठीक है थर्टी एट्स में कहते हैं कि एच सी एल वैन एडिड टू एच टू एस सोल्यूशन तुम्हारे पास जो एच टू एस की आयनाइजेशन है ना वो सप्रेस हो जाएगी क्यों होगी कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट थर्टी नाइन में कहता है कि इफ़ के पी इज़ मोर देन के सी अगर हमारे पास के पी की वैल्यू जो है वो के सी से ज़्यादा है कहते हैं कि द डिफरेंस ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स इज तो वो पॉजिटिव होगी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट अगर हमारे पास के सी ज़्यादा होता के पी से तो फिर वो नेगेटिव होता ठीक है नेक्स्ट फोटी में कहता है कि फॉर सोलिड्स एंड लिक्विड्स तो सोलि एंड लिक्विड्स के केस के में हमारे पास जो डेल्टा एच होता है ठीक है इंथलपी जो है वो डेल्टा ई e के इक्वल होती है ठीक है ऑप्शन बी एज करेक्ट ये आप लोगों एक के एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था ठीक है फोर्टी वन में कहता है कि स्टैंडर्ड एनथेरेपी फॉर द वन मोल ऑफ द सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल स्टेट एट वन इट प्रेशर तो उससे हम लोग जो है वो किस टेम्परेचर पर मेजर करते हैं टू नाइंटी एट कैलवन पे ऑप्शन बी एज करेक्ट ये स्टैंडर्ड ऐसे चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है ये उससे है नेक्स्ट फोटो टू में कहता है कि नो वर्क इज़ डन एट कॉन्स्टेंट तो हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो है वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वर्क किसकी गुरता है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है ना ठीक है अब अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट हो सो हम लोग लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू जीरो सो वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं कर सकते सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट फोर्टी डिग्री में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस तो हमारे पास जो एग्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना ये स्पॉन्टेनियस होते हैं हीट खुद बहुत निकल हो निकल रही होती है एंडो में तो हमें खुद बहुत हीट देनी होती है ठीक है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं रिवर्सिबल एंड रिवर्सबल भी हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस में आते हैं सिर्फ एग्जोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ये स्पॉन्टेियस होते हैं और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इट इज़ अकम्पनीड बाई लोअरिंग ऑफ द एनर्जी ऑप्शन बी ए स्कोर एक्ट नेक्स्ट फोर्टी फोर में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव तो इंथर्बिक वैल्यू पॉजिटिव जो है वो किस में होती है अनाजेशन एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉनिफिन में नेगेटिव होती है कॉम्बस्ट में भी नेगेटिव होती है एग्जोथर्मिक में भी नेगेटिव होती है ठीक है ऑप्शन ए स्कोर एक्ट फोटी फाइव में कहता है कि विच वन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन हमारे पास जो पोटाशियम आईडाइट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट करता है किसी सोल्यूशन के अंदर ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन एच सी एल ओ थ्री तो एच सी एल ओ थ्री में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है क्लोरीन का एच सी एल ओ थ्री इज इक्वल टू जीरो हाइड्रोजन का हमारे पास प्लस वन होता है क्लोरीन का हम लोगों ने फाइंड करना है इसको हम लोग एक्स लिख लेते हैं और ओ थ्री है ऑक्सीजन का हमारे पास माइनस टू होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री इन माइनस टू इज टू जीरो क्या बन जाएगा वन प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके एक्स प्लस वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू फाइव सो एच सी एल ओ थ्री में हमारे पास जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है फाइव ऑप्शन डी ए स्क्वा प्लस फाइव ठीक है नेक्स्ट फोर्टी सेवन में कहता है कि रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स और द फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लाज और द वर्सेज फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रोंग प्लेस एट द रोंग टाइम ऑन द रोंग डे देखो तीन मरतबा जो है वो उसने रॉन्ग का जो है वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया है ठीक है उसने रिपीटिशन किया है सेम वर्ड की या फ्रेज की तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं या इस तरह के फिगर ऑफ स्पीचेस को हम लोग क्या कहते हैं एनाफोरा ऑप्शन बी इज़ कोरेक्ट नेक्स्ट फोर्टी एट में कहते हैं कि इट अ वर्बल पैटर्न इन विच द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ बैलेंस्ड अगेंस्ट द फर्स्ट बट विद द पार्ट्स रिवर्स्ड कहता है कि ऐसा वर्बल पैटर्न जिसमें हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट हाफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं सेकेंड हाफ को रिवर्स करके उसने एग्जाम्पल भी दिए कहता है कि फेमस शेफ सेड पीपल शुड लिव टू ईट नॉट ईट टू लिव देखो उसने अब एक को बैलेंस करने के लिए दूसरे को अपोजिट किया है ऐसे वर्बल पैटर्न को हम लोग जो है वो क्याजमास कहते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट रैक्ट फोर्टी नाइन में कहता है कि ही गेव अ टॉक डैश द काजेज ऑफ डेंगी फीवर ही गेव अ टॉक ओन ठीक है ओन द काजेज ऑफ डेंगी फीवर ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टी में कहता है कि यू कैन सी द डॉक्टर डैश ए टी एम एंड ठीक है यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन बिटवीन एट एंड ट्वेल्व ऑप्शन सी इज करेक्ट तो ये तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर नाइन उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा थैंक यू